चलो तो आज की क्लास अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, याद है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। कर लिए सब लोगों ने? वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन ही हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। तो अपन क्लास स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, अपने क्वेश्चन से ही। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद आवर क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन तो ये होमवर्क दिया था, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। क्या आंसर आएगा बच्चों? व्हाट विल बी द आंसर? कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। प्रियांशु कह रहा है हेलो हेलो प्रियांशु। क्या आएगा? क्या बात है क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। सी आएगा बच्चों आंसर। द आंसर शुड बी सी, 1/2m अंडर रूट h क्रॉस, दिस इज योर आंसर। डिस्कस कर लें इसको कैसे होगा फटाफट से। आ जाओ देखो, जो क्वेश्चन कह रहा है हम वही करेंगे, और क्वेश्चन कहता है वो हम करते हैं, तो करते करते हमको आंसर मिल जाता है ना। देखो इधर, तो क्वेश्चन ने कहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी। ये गिवन था क्वेश्चन में, ये गिवन था। अच्छा, पूछा क्या था? डेल्टा यू, डेल्टा वी पूछा था अपने से। डेल्टा वी जो है वो क्या है ये पूछा था। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो अपने को दे रखा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 into m delta v, क्योंकि डेल्टा पी जो होता है वो m डेल्टा वी होता है ना। बिल्कुल लिखा था अपन ने। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने को क्या कहता है, यूजिंग हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू करेंगे, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी होता है वैसे तो, एच अपॉन 4π लिख देते हैं हम। अच्छा, डेल्टा एक्स की जगह पर अब हम 2 times delta p लिख सकते हैं या 2 m delta v लिख सकते हैं। तो अभी 2 times delta p रख देते हैं, बाद में उसको चेंज कर देंगे। तो इसको जल्दी से अपन रख देते हैं, 2 delta p into delta p is equals to h upon 4π। अब ये हो गया 2 delta p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4π। अच्छा, इसको और आगे लिखते हैं, तो 2 delta p को हम लिखेंगे m डेल्टा वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4π। और इसको अगर थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें, यहां ले आए, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4π इंटू 2m² आ जाएगा। ये अपन ने क्या किया, ये 2 और ये m का स्क्वायर, इधर स्क्वायर आ गया था, इसको ले जाके ना यहाँ रख दिया। अब बस डेल्टा वी चाहिए था तो स्क्वायर रूट ले लो, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h अपॉन 4π 2m² या डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2m² का अंडर रूट m अंडर रूट h अपॉन 2π। ये अपना आंसर आ जाएगा, या इसको हम लिख देंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2m अंडर रूट h क्रॉस। राइट, ऐसे हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्यूशन है। राज पूछ रहा है डेल्टा पी के लिए एम डेल्टा वी कैसे है। राज बेटा, पिछली क्लास में क्या किया था तुमने, क्या किया था यहाँ पे, क्या लिखा था, ये डेल्टा एम वी को क्या लिखा था, एम डेल्टा वी लिखा था या नहीं? डेल्टा पी इज एम डेल्टा वी, क्योंकि मास तो फिक्स्ड होता है, मास में थोड़ी एरर आएगी, मास तो जो है वो है, वेलोसिटी में आ जाएगी एरर।
तो इसको फटाफट से अब नोट डाउन कर लो बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो जिन लोगों का आंसर नहीं आया था। कोई बात नहीं है कर, कोई बात नहीं निखिल बेटा, अब आपने को गलती समझ में आ गई ना, अब आगे से गलती नहीं होगी। एच क्रॉस का मतलब क्या है, ये लिखा था, ये क्या लिखा है, एच क्रॉस किसको कहते हैं, एच अपॉन टू पाई को एच क्रॉस कहते हैं, इट्स अनदर कॉन्स्टेंट। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, नोट इट डाउन क्विकली। और एक बार हो जाए नोट तो मुझे बता देना, ये ऊपर स्क्रॉल करना तो मुझे बता देना, अपन लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लो, लिख लिया क्या सबने? ओके ठीक है, चलो तो इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और दिया था आप लोगों को। This was another question. A golf ball has a mass of 40 grams and a speed of 45 meters per second. The speed can be measured with an accuracy of 2%. Then calculate uncertainty in position. तो delta x पता करना था, और ये क्या दे रखा था, ये क्या दे रखा था, what was this given? एरर किस में दे रखा है, स्पीड में। तो इससे तुमको डेल्टा वी की वैल्यू मिलेगी, इससे तुमको डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बात समझ में आती है? कितने लोगों ने डेल्टा वी की वैल्यू इस एरर से निकाली है, किस किसने निकाली है? गुड गुड, तो मैं आपको पहले डेल्टा वी निकाल के बता देता हूँ, इस सेंटेंस का मतलब बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दूंगा अपना करेक्शन करने को, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। तो यहाँ आपको बोला था कि स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो वी तो 45 मीटर पर सेकंड दे रखा है, वी दे रखा है 45 मीटर पर सेकंड, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 45 का कितना परसेंट होगा, 2% of 45, बिल्कुल बच्चों, this is 2/100 of 45, ये आपको आना चाहिए। Within the accuracy of 2%, मतलब error जो है वो 2% की error है, तो delta भी यहाँ से आएगा, तो ये आपका जाएगा 0.9 meters per second is your delta v। एक बार delta v आ गया, इसके बाद तो अब सवाल हो जाना चाहिए आपसे, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? चलो काफी लोगों ने आंसर दे दिया है मेरे को, 1.46 into 10 to the power minus 33 या 14.6 into 10 to the power minus 34, यही आएगा। कितने लोगों का आंसर आया था ये, जल्दी से हैंड रेज करके बता दो। नाइस, गुड गुड, तो बच्चों सवाल में बस यही होगा कि आपको डेल्टा एक्स या डेल्टा वी या तो दिया होगा या निकालना होगा, या डेल्टा पी दिया होगा या कुछ रिलेशन दी होगी, और बस आपको सॉल्व करना रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नई वैरायटी या बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, है ना। जिन लोगों का आंसर नहीं आया तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, कि द एरर इज दिस मच, उस एरर को अपन ने इस फॉर्मूले में रख दिया, तो अपने को डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1.46 * 10 to the power minus 33 meters। जल्दी से नोट कर लो। प्रगति बेटा, पिछले क्लास के दो क्वेश्चन ही होमवर्क जो दिए थे वो डिस्कशन चल रहा है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन लोग एक नोट लिख के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आज बढ़ेंगे आगे, ठीक है। वी विल मूव अहेड ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबने लिख लिया यहां तक, सबने लिख लिया,
किसी का बचा तो नहीं है, बाद में कहोगे तो नहीं कि सर स्क्रॉल कर दो इधर उधर। चलो तो एक नोट लिखने को मैंने बताया था आपको कि ये नोट और लिखा आपको लिखना है, क्वेश्चंस के नीचे नोट ऐड कर लो कि इसी फॉर्मूले को डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी और टाइम में। आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा डेल्टा एक्स डेल्टा पी था वैसा ही डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी हो जाएगा और वैल्यू एच अपन 4π ही रहती है। दिस इज एनर्जी, दिस इज टाइम, इसको जल्दी से नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ Heisenberg's uncertainty principle. और इसके नीचे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख लेना कि Heisenberg replaced the concept of definite orbits by the concept of probability. तो इसको अपन आज समझेंगे कि क्या कहा, क्या हुआ, क्या चेंजेस आ गए। लिख लिया क्या बच्चों? अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं वेट कर रहा हूं, लिख लो। ऐसा नहीं कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का आधा होता है इसका फॉर्मूला, ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम में जो वैल्यू थी उसका हाफ वैल्यू मिनिमम एरर आ रहा है ना, ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका हाफ फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब दिव्यांश बेटा ऐसे टाइम कैसे बताऊं, अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट ही करने वाले हैं, अगर सबने लिख लिया तो लिख लिया सब लोगों ने, ये बढ़े आगे। हाँ पीयूष बेटा है विजिबल, बट अब आपके हर सवाल का जवाब नहीं देता ना मैं, आप अभी का चैप्टर छोड़ के आप ये देख रहे हो, पूछ रहे हो कि सर अगला चैप्टर कौन कब स्टार्ट होगा या कौन सा स्टार्ट होगा, देखेंगे, वील सी। फिजिकल केमिस्ट्री में या तो गैसीय स्टेट या रेडॉक्स, कोई एक स्टार्ट होगा। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने, बढ़ जाए आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे, कोई वापस तो नहीं लेके आएगा ना। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग जो अपने को लिखनी है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अब यहां पर बच्चों ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, देयर विल बी अ न्यू टर्म नोन एज ऑर्बिटल। तो फटाफट से अगले पेज पे बढ़िया सी हेडिंग डालो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसमें सब हेडिंग डालो ऑर्बिटल, यहां तक लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं, उसके बाद मैं तुमको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल लिखने को कहूंगा। या चलो एक काम करो, इतना लिख ही लो तुम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में, यहां तक लिख लो उसके बाद समझाता हूं, यहां तक लिख लो सब लोग, नोट इट डाउन क्विकली अप टिल हियर एंड देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। सुजल बेटा डेराइव नहीं करना है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, यू विल नॉट बी डेराइविंग दिस, यू डोंट नीड टू डेराइव दिस, इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला, उतना सा याद रख लो, बस आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। डेल्टा एच मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी से आप बाकी फॉर्म्स पे जा सकते हो, आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं डिराइव करना होगा, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी से डेल्टा ई डेल्टा टी तक जा सकते हो, दैट इज डूएबल, बट जरूरत पड़ती नहीं। तो फटाफट से बच्चों लिखो इसको, फिर अपन इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दे, मैं समझाता हूँ कि बोर के मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या फर्क आ गया।
बच्चों जब लिख लो तो मेरे को बता देना आप कि लिख लिया सर। अभी डायग्राम मत ड्रॉ करो, एस ऑर्बिटल हेडिंग तक लिख लो, फिर मैं समझा दूं उसके बाद ड्रॉ करना। इन दैट केस यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट बेटर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। गर्व बेटा अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी आपको टाइम दिया है। आई विल बी विजिबल अगेन इन सम टाइम, डोंट वरी। कर लिए सब नोट? नहीं किया है? कुछ ने कर लिया है? अच्छा कर लो, मैं वेट कर रहा हूं। नोट इट डाउन, आई एम वेटिंग। हाँ बच्चे, न्यूक्लियस है वो, आदित्य बेटा ये देख लेना, ये न्यूक्लियस ही है। वो स्पेलिंग वहां पे टाइप गलत है थोड़ा सा। The spelling, correct spelling will be nucleus. लिख लिया सबने? अब कंप्लीट कर लिया? अभी भी बचा है एक दो लोगों का, जल्दी से लिख लो, जल्दी से करो इसको कंप्लीट। अपन बात करते हैं इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। कर लिया? करें डिस्कस, समझें क्या मतलब है। अभी ड्रॉ मत करो, मैं समझा देता हूँ उसके बाद। चलो अब सब लोग अपने पेन्स नीचे रख दो। एवरीवन कीप योर पेन्स डाउन, लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस मॉडल सेज। तो अभी हाइजेनबर्ग में हमने लिखा था कि अब हम डेफिनेट पाथ की जगह बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। जैसे बोर के मॉडल में, और उसमें क्या फर्क आ गया देखो। बोर का मॉडल कहता था कि देखो एक फिक्स्ड पाथ है सर्कुलर जो न्यूक्लियस के अराउंड है। तो बोर के मॉडल में यहां पर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमता था। देयर वाज अ फिक्स्ड पाथ, दिस वाज अ फिक्स्ड पाथ। और बोर कहता था कि मैं इसका सब बता दूंगा, इसका रेडियस बता देंगे कितनी दूर पर है, इसकी वेलोसिटी बता देंगे, इसकी एनर्जी बता देंगे, ये सब। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है कि पहली बात तो फिक्स्ड पाथ का तो है नहीं कुछ, हमको नहीं पता क्या रास्ता है। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे तुमने लिखा था अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 90-95%। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए न्यूक्लियस के आसपास, तो हमको इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है ये नहीं पता, उसकी एग्जैक्ट पोजिशन किस टाइम पे क्या होगी ये भी नहीं पता। हम बस ये कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियस के आसपास किस रीजन में मैक्सिमम टाइम रहता है। मतलब क्या है, जैसे ये जो डायग्राम तुमको दिख रहे हैं, ये डायग्राम्स का मतलब क्या बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की अलग अलग टाइम पे पोजीशंस प्लॉट करते जाएं, इफ वी कीप प्लॉटिंग द पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट टाइम्स, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है उसकी पोजिशन को एक एक डॉट से रिप्रेजेंट करते जाए अलग अलग टाइम पे, ऑब्वियसली एक साथ सब जगह नहीं हो सकता, टाइम के साथ उसकी पोजिशन अगर हम प्लॉट करें तो हमको ऐसा कुछ क्लाउड जैसा मिलेगा, जिस क्लाउड की जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के पास जितना जाते जाएंगे उतनी ज्यादा होती जाएगी, और जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उतनी वो कम होती जाएगी। एज वी कीप मूविंग अवे द डेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रॉन को कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। तो अब
उसमें क्या हुआ कि उसमें ये बोला कि अब इसमें अगर रीजन बताना हो, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कभी कभी मिल सकता है, कभी यहाँ भी मिल सकता है, तो कोई एक फिक्स रीजन बनाना, तो अब ये तो बहुत बाहर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन लगभग 90-95% ऑफ द टाइम हमको मिल जाता है, 90-95% ऑफ द टाइम जहां इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाता है जिस रीजन में, उस रीजन को उन्होंने कह दिया, इस पूरे रीजन को उन्होंने कह दिया ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क क्या है, सबसे पहला फर्क समझो, ऑर्बिट होता था फिक्स्ड पाथ जिसके सर्कल की बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन घूमता था। ऑर्बिटल एक रीजन होता है जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है कि इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, और सबसे न्यूक्लियस के पास में उसकी मिलने की संभावना ज्यादा है, दूर में संभावना कम है। इसको इमेजिन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, सुन लो। जैसे न्यूक्लियस को अगर हम बल्ब अज्यूम कर लें, है ना, और बारिश में आपने लाइट या स्ट्रीट लाइट के आसपास कीड़ों को उड़ते देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस तरीके से समझो कि जो बल्ब होता है उसके आसपास जो कीड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाते वैसे वैसे कीड़ों का क्वांटिटी या डेंसिटी कम होती जाती है, है ना, बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कोई बाउंड्री होती है कि कीड़ा इस बाउंड्री के बाहर ही नहीं जाएगा, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता। कभी कभी कीड़े इधर उधर भी मिल जाते हैं ना, यहाँ कहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि भाई कोई रीजन बताओ कि जिसमें कीड़े लगभग आपको सारे मिल जाए, तो आप एक ऐसा रीजन बता सकते हो कि कोई बल्ब के आसपास ऐसे स्फीयर बना दो जिसमें ज्यादातर समय में वो कीड़े आपको दिख जाते हैं। ऑब्वियसली उसके बाहर भी हो सकते हैं, बट एक रफ रीजन हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली 90-95% ऑफ द इंसेक्ट्स जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन में घूम सकते हैं ना, और डेंसिटी भी बल्ब के पास ज्यादा होगी, जैसे दूर जाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। तो नाउ इमेजिन दिस कि अब इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन अब किसी रीजन के अंदर घूमते हैं, दे मूव विद इन द रीजन, और जिस रीजन के अंदर घूमते हैं उस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो पहले शेल में ये जो स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है इसको नाम दिया है हमने एस ऑर्बिटल। स्फेरिकल शेप का जो ऑर्बिटल होता है उसका नाम है एस ऑर्बिटल। यहां पे देखोगे तो न्यूक्लियस के आसपास ये डेंसिटी दिखाई हुई है बच्चों, देखो ये डेंसिटी दिखाई है, सब डॉट्स दिखाई है, और इस रीजन को, जिस रीजन को 90-95% ऑफ द डॉट्स हमको मिल रही है उसको हमने ऑर्बिटल कह दिया है। डे टू डे यूसेज में हम डॉट्स बनाने की जगह इसको ऐसे सर्कल या स्फीयर की तरह से दिखा देते हैं, तो ये उसका डायग्राम है। तो ये एक टाइप का ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं, सारे ऑर्बिटल स्फेरिकल नहीं होंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये एक टाइप का ऑर्बिटल है जिसको हम एस ऑर्बिटल कह रहे हैं। ऑलराइट, बिल्कुल कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है बच्चों, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं कहेंगे, हम बस ये कहेंगे कि एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 90-95% है। देयर इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90-95%, एंड दैट रीजन इज नोन एज एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स विल हैव डिफरेंट शेप्स। वन टाइप ऑफ ऑर्बिटल व्हिच हैज स्फेरिकल शेप इज नोन एज एस ऑर्बिटल, इसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले शेल में एस ऑर्बिटल, दूसरे शेल में एस ऑर्बिटल। तो पहले शेल के एस ऑर्बिटल को नाम हम 1s कहते हैं, दूसरे शेल के ऑर्बिटल को 2s कहेंगे, तीसरे शेल के ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, 3s, ठीक है, ऐसे ही 4s। अब इन सब के मतलब क्या है हम समझते जाएंगे, अभी आपको शेल्स सब शेल्स भी समझाऊंगा, अभी हमने सिर्फ ऑर्बिटल समझा है कि ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक। अब फटाफट से ये एस ऑर्बिटल शेप स्फेरिकल और ये डायग्राम बना लो, उसके नीचे लिख लेना s orbital is non-directional, it is closest to the nucleus, having lowest energy. और एक बात जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, s orbital can accommodate maximum of 2 electron. In fact, बच्चों कोई भी जब हम orbital बनाएंगे, कोई भी एक orbital में atom के अंदर
ज्यादा से ज्यादा दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है? ऑल राइट, तो एक तो डॉट वाला बनाना है बच्चों, एक डॉट वाला बना लो, मतलब इस टाइप से नहीं बनेगा तो ऐसे बना लो, एक न्यूक्लियस बनाओ उसके आसपास डॉट्स बना लो, या पेंसिल हो तुम्हारे पास तो पेंसिल से शेड कर लो इस टाइप से, डेंस शेडिंग पास में, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे शेडिंग कम होती जाए, बचपन में की होगी ना ड्राइंग में शेडिंग, वो कर लो। 1s का तो ऐसा बनाना है, एक शेड वाला है डॉट वाला, और फिर ये स्फीयर वाले दोनों के बना लेना, सर्कल वाले, ठीक है? तो जल्दी से बना लो, फिर अपन और ऑर्बिटल्स के शेप समझते हैं, फिर देखेंगे कि एटम आगे जाके देखेगा कैसे हम लोग ऑर्बिटल्स वगैरह के बाद। ऑलराइट, जल्दी से बनाओ और बातें करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं, बनाओ जल्दी बनाओ। तो ईशान बेटा, वो तो पहले ही कहा था ना, वो बोर के मॉडल में वैलिड था कि मूव्स इन अ फिक्स्ड पाथ, हमको बाद में पता चला कि वो फिक्स्ड पाथ नहीं है, बट देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दैट फिक्स्ड पाथ एंड ऑर्बिटल, वो बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ था। युक्ति बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, ये तो हम बता देंगे कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कब होंगे कब नहीं होंगे, ये भी सीखेंगे अपन कि किस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, किस में दो है, कब होगा, वो सब सीखेंगे, कॉन्फिगरेशन लिखना सीखेंगे तब आएगा। अभी तो पहले शेप समझो, फिर और भी बहुत सारी चीजें जिससे रिलेटेड समझनी पड़ेंगी, सब आएगा तुमको, चिंता मत करो। नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन तो आपस में रिपेल करते हैं ना, वृत्तिका, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो न्यूक्लियस के पास आएंगे, बट ये आपस में तो एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहते ना, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो टकराएंगे नहीं, घूमते रहेंगे, कीड़े टकराते हैं आपस में। एन बेटा या शेल नंबर है, एन इज शेल नंबर, जैसे एन वन हुआ तो वन एस हो जाएगा, टू हुआ तो टू एस हो जाएगा, थ्री हुआ तो थ्री एस हो जाएगा, ठीक है? अरे कहाँ दिख रहे हैं यार मेरे ऑर्बिटल में, इसमें कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया इसमें तो मैंने, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की डेंसिटी बनाई है बस। विधान बेटा, तुम तो नहीं करोगे श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके प्लॉट करने के लिए सुपर कंप्यूटर लगते हैं, तो हम श्रोडिंगर की एक्चुअल इक्वेशन को सॉल्व कभी नहीं करेंगे, उसकी इक्वेशन में नोड्स वगैरह हम पता करेंगे, वो सब सीखेंगे। अगर तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखोगे तो सब सीख जाओगे, अगर पेशेंस रखोगे तो, कितना भी समझा लो वही बात रिपीट करते रहते हो। सुजल बेटा, बोर ने वेलोसिटी रेडियस जो निकाला था वो निकाला था, फिर तुमको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसमें कहा था कि ये एक्यूरेट नहीं है, इसलिए उसको हम फाइनल नहीं मान सकते, तो एक्यूरेट नहीं है तो वो एग्जैक्ट पोजिशन नहीं है, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं है। यार देखो, ऐसा है कि तुम लोग ना कुछ कुछ, अब आयुष बेटा इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, डज ऑर्बिटल हैव 3D शेप, 3D ऑर्बिटल अलग होता है, उसका शेप आएगा तब हम पढ़ लेंगे, अभी जो बता रहा हूँ वो लिख लो, यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने, हैज एवरीवन नोटेड इट डाउन? तो अब क्या है कि एक तो तुम लोग सुनते कम हो और अपनी बात मेरे को ज्यादा सुनाना चाहते हो, तो इसलिए थोड़ा सुना करो, अपनी बात मुझे कम सुनाया करो, अब सुन लो इस बात को ध्यान से, क्या मैं कह रहा हूँ, दिस इज वन टाइप ऑफ ऑर्बिटल एस, है ना, अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं,
एस एक टाइप का ऑर्बिटल है, पी दूसरे टाइप का ऑर्बिटल है, डी तीसरे टाइप का ऑर्बिटल है, इन सब के शेप्स हम पढ़ेंगे, है ना, और मोस्ट प्रोबली आज ही पढ़ेंगे। अब ये क्या है, ये बॉक्स जो बनाया है ये क्या है? क्या होगा कि आगे चल के जब हम ऑर्बिटल्स के शेप समझ लेंगे और एटम्स के बारे में पढ़ लेंगे, तो हर बार एटम में इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए ऐसे शेप बनाना टीडीएस काम है कि बार बार स्फीयर बनाओ उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाओ। तो क्या करते हैं, उसका हमने रिप्रेजेंटेशन बना लिया कि एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा, वन बॉक्स रिप्रेजेंट्स वन ऑर्बिटल, और ये जो टू एरोज हैं, टू एरोज रिप्रेजेंट द टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो जब उस ऑर्बिटल बनाएंगे बॉक्स से, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल का नाम हम नीचे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे साइड में, तो जैसे एन एस है तो वन एस या टू एस या थ्री एस, तो उससे हमको शेप का आइडिया लग जाएगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन अगर एक हुए तो एक बनाएंगे, दो हुए तो दोनों बनाएंगे, अगर एक भी नहीं हुआ तो जीरो बनाएंगे। तो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन विच वी विल यूज इन फ्यूचर। जब हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इस रिप्रेजेंटेशन का यूज क्या है, ये सब हम सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हमने लिखा है कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फिर वही बात, वाई अपोजिट अरोज सब बोला ना मैंने अभी बोला कि जब हम यहाँ फ्यूचर में पहुंच जाएंगे बॉक्सेस पर, तो हमको सब समझ में आ जाएगा क्यों बना रहे हैं, इनका यूज क्या है, नॉट राइट नाउ, ठीक है। उसके लिए कॉन्फिगरेशन सीखना पड़ेगा। ओके तनिषा बेटा, लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। अब अगले ऑर्बिटल पे आ जाते हैं, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल डंबेल शेप होता है। डंबेल का शेप मैं तुमको एक बार थोड़ा सा इमेजिन करवा देता हूं, क्योंकि ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशंस नहीं होते, ये बनाते हम ऐसे हैं। थोड़ा सा आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुन लो इस बात को बच्चों, फिर तुम रैंडम डाउट्स पूछोगे नहीं तो बाद में। एस ऑर्बिटल कितने टाइप के थे बच्चों, एस ऑर्बिटल कितने टाइप के थे? एक टाइप, एक ही था, स्फेरिकल था बस, और वो सिमेट्रिकल था तीनों एक्सिस के अलोंग। अगर आप न्यूक्लियस को ओरिजिन पर रख दो, जैसे एस ऑर्बिटल अगर आपको बनाना हो तो अगर आप एक्स वाई जेड 3D में इसको बनाओगे, एक्स वाई जेड और न्यूक्लियस को ओरिजिन पर रख दोगे, तो आपका एस ऑर्बिटल ऐसा स्फीयर ऐसा रखा हो जाएगा और एक ही बनेगा, एक ही टाइप का ऑर्बिटल है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास में सबसे ज्यादा और दूर जाते जाओगे तो कम होती जाएगी। दिस इज योर एस ऑर्बिटल, एक ही टाइप का है। पी हाउएवर इज ऑफ थ्री टाइप्स। वो टाइप्स क्यों है, ओरिएंटेशन की वजह से। जैसे शेप तो उसका मैं बता देता हूँ, फिर वो शेप के ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, न्यूक्लियस एटम का आपने रखा है सेंटर ऑफ, या ओरिजिन पे कह सकते हैं, ओरिजिन पे रखा है। अब आप क्या करोगे, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के डॉट्स बनाना शुरू करोगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डॉट्स की डेंसिटी जो है वो इस तरफ से इस तरह से बनेगी, कुछ there will be some density like this, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम होती जाएगी। इधर भी जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के, जो मैं कह रहा हूं उन चीजों को आप ध्यान से सुनते जाओ, those things will correlate, लेकिन correlate तभी होंगी जब आप उनको ध्यान से सुनोगे। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो जो चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ उनको बाद में यूज करूंगा तो तुम कहोगे सर ये कैसे आया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, दिख रही है, और इस डेंसिटी को अगर हम शेप बना दें तो ये शेप जो है कुछ इस टाइप से डम्बल टाइप का बन जाएगा। इसको भी मैंने थोड़ा सा आपके लिए फ्लैट बनाया है। एक्चुअल डेंसिटी में भी क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा, और अगर अच्छा डायग्राम बनाए इसका तो न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है कि ये डेंसिटी जो है वो कुछ इस टाइप से हो जाती है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। मतलब ये जो डंबल्स हैं ये थोड़े ज्यादा वाइड होते हैं,
मैं थोड़े फ्लैट बना दिए क्योंकि जनरली हम लोग डे टू डे में बनाने में वही यूज करते रहते हैं, ये शेप थोड़ा सा इस टाइप का आता है बन के। डम्बल देखा होगा ना जिम में, जो वेट्स उठाते हैं उनको डम्बल्स कहते हैं, पता है ना कि नहीं पता है? है ना, तो ये थोड़ा से ऐसे वाइड बनते हैं। हम लोग डे टू डे बनाने में इनको ऐसे थोड़ा फ्लैट बना देते हैं क्योंकि वो आसानी से बन जाते हैं, जिसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे ये वाला देखोगे तो तुमको थोड़ा सा वाइड दिख रहा होगा, जैसे ये थोड़ा सा वाइड है और ये थोड़ा सा वाइड, और बीच में इसके न्यूक्लियस ओरिजिन है ना। तो इस टाइप से आपका एक ऑर्बिटल दिखता है। लेकिन अब देखो इसमें तीन टाइप कैसे होगा या तीन ऑर्बिटल कैसे होते हैं वो समझ लो, इस बात को सुन लो एक बात और उसके बाद बना लेना। क्या होता है कि अब ये जो ऑर्बिटल अपन ने बनाया है ये किसी एक्सिस के अलोंग है, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इसको बना दिया, ये जो ऑर्बिटल बना इसके दोनों लोब्स, इनको कहते हैं लोब्स, दीज आर नोन एज लोब्स। ये अगर बिल्कुल 3D है बेटा, देखो जैसे ये अगर एक्स एक्सिस है, सुन लो इस बात को, ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक लोब इस तरफ है और एक लोब इस तरफ है, 3D है ना, सर्कल नहीं है, ये ऐसे गोले है, दो ऐसे दो गोले। तो जिम के डम्बल्स देखे होंगे ना, वो वेट उठाने वाले जो होते हैं जिसमें एक इधर वेट लगा होता है एक इधर वेट लगा होता है, तो ऐसे दो वेट्स हैं। और ये क्या है कि अब ये वेट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको एक टाइप का ऑर्बिटल कहते हैं जिसको हमने नाम दे रखा है PX। अगर ये अगर वाई एक्सिस के अबाउट हो गया तो ये हो जाएगा PY, और अगर जेड एक्सिस के अबाउट हो गया तो PZ। तो तीन अलग अलग एक्सिस के अबाउट तीन अलग अलग ऑर्बिटल बन जाते हैं, इसलिए इनके नाम है अलग अलग। जैसे ये जो हमने बनाया था ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया था, इसलिए इसका नाम PX रखा जाएगा, ये एक्स के अलोंग है इसलिए इसका नाम PX रख दिया है, इसको हम PX कहते हैं। तो हमारे पास अल्टीमेटली देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो PX आएगा, वाई के अलोंग अगर है तो PY आएगा, और अगर जेड के अलोंग है तो PZ आएगा। आप चाहो तो आप ये वाले तीन बना लो डायग्राम, या आप चाहो तो ये वाले बना लो, जेड के अलोंग PZ, एक्स के अलोंग PX और वाई के अलोंग PY। इट्स अप टू यू, ये तीन बनाने हैं या ये तीन बनाने हैं, विच एवर यू वॉन्ट, द शेप इज डम्बल, है ना। ये वाला डायग्राम आपको NCERT में भी मिल जाएगा, दिस इज देयर इन NCERT। अच्छा एक बात और बता दो उसके बाद बना लेना, बस एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो। अभी पिछले वाले में मैंने क्या कहा था, एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्बिटल को, है ना, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल है, कितने है, तीन। तो उसके लिए कितने बॉक्स बनाएंगे हम, तीन। अच्छा और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, दो। तो तीन ऑर्बिटल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बिल्कुल। तो अब इसका मतलब भी समझ लो, ये क्या लिखा है, अभी तक आपने सिर्फ शेल्स पढ़े थे, अभी तक आपने सिर्फ शेल्स पढ़े थे, बोर के मॉडल में सिर्फ शेल होते थे, सब शेल और ऑर्बिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, कुछ ऑर्बिटल्स से मिलके सब शेल्स बनेंगे और कुछ सब शेल से मिलके शेल बनेंगे। तो पी सब शेल अगर कोई कहे आपसे, पी सब शेल का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको एक नया टर्म दे दिया सब शेल, तो इस सब शेल का मतलब क्या है, तो आपको पता है कि PX ऑर्बिटल क्या होता है, ये पता है ना। तो आपको पता है PX ऑर्बिटल क्या है, आपको पता है PY ऑर्बिटल क्या है, आपको पता है PZ ऑर्बिटल क्या है। अच्छा इन तीनों ऑर्बिटल को अगर मैं एक साथ बना दूं, अगर मैं इन तीनों ऑर्बिटल्स को एक साथ बना दूं, तो लेट्स से PX ये था, PZ और PY, ये PY और ये PZ, ये Z एक्सिस के अबाउट PZ हो गया, ये Y एक्सिस के अबाउट PY हो गया, एक्सिस भी बना देता हूं मैं, Z एक्सिस, तो ये जो शेप बना बच्चों, ये तीनों ऑर्बिटल को एक साथ बनाने पर जो शेप बन रहा है, इस शेप को हम क्या कहेंगे,
what will this shape be called? इस शेप को हम कहते हैं सबशेल. जब आप सारे पी के ऑर्बिटल्स को इकट्ठा बना लो तो जो बनेगा दिस विल बी नोन एज पी सबशेल. एक टाइप के सारे ऑर्बिटल्स को मिला दें, उनसे मिलके जो शेप बनता है उसको कहते हैं सबशेल. आई बात समझ में? ऑर्बिटल सबसे लोएस्ट लेवल, ऑर्बिटल्स को जोड़ के जो शेप बनेगा वो सब शेल, और अलग अलग सब शेल्स को जोड़ देंगे तो जो शेप बनेगा वो शेल. ऑल राइट, शेल अपन बनाएंगे, अभी अपन ने बनाया नहीं है. ठीक है, बिल्कुल अक्षत बेटा. एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वो एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही ऑर्बिटल का सब शेल बनेगा. तो एस सब शेल और एस ऑर्बिटल एक ही जैसे दिखते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, एस सब शेल और एस ऑर्बिटल एक ही बात हो जाती है, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल है. तो एक ही ऑर्बिटल है तो उसी को सबशेल, उसका सबशेल बनाने को बोलेंगे, तो वो भी वही बनाएंगे, है ना. अब चलो फटाफट से डायग्राम बना लो. या तो ये तीन या ये तीन, ये लिख लेना उसमें, और ये बना लेना सबशेल का डायग्राम क्या होता है. चलो बना लो बेटा. ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस को टच नहीं करता, ठीक है. ये दिखने में ऐसा लग रहा है, बट वो न्यूक्लियस पर टच नहीं कर रहा, न्यूक्लियस पे थोड़ा सा गैप रहता है, बहुत छोटा सा, ठीक है. तो वो दिखने में ऐसा है, बट देर इज सम गैप. देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा गैप छोड़ा है मैंने, देर इज सम गैप, टच नहीं करता है. ऑल राइट, तो बना लो. बिल्कुल ओम बेटा, बिल्कुल एसपीडीएफ सबशेल्स ही होते हैं. बना लो, जल्दी से बना लो. आई एम वेटिंग. और बच्चों आज की क्लास के बाद ही शेप्स को और इन पॉइंट्स को ध्यान से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ इनको रिलेट करके मैं आपको समझाऊंगा चीजें आगे. क्वांटम नंबर्स पे जब हम आएंगे तो हम ऑर्बिटल्स और सबशेल्स उनको रिलेट करेंगे, इनके मतलब समझेंगे. अभी अर्पित बेटा अगले सबशेल पे आते हैं तो आपको अगले ऑर्बिटल पे आते हैं तो सबशेल और क्लियर हो जाएगा, फिर चिंता मत करो. रमन बेटा नोड लिख लो, क्वांटम नंबर्स जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग नोड समझेंगे कि नोड कैसे पता करते हैं, उसको पता करना सीख लेंगे, उसके बाद नोट पे भी डिस्कस करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, ओके कौस्तुभ. विधान बेटा पी सेम थोड़ी है, इसमें हमने बस पी एक्स पी वाई और पी जेड है, तो पी अलग अलग, बस उसका शेल कौन सा ये नहीं लिखा है. यहाँ नहीं लिखा है कि ये टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जेड है, हमने शेल नंबर नहीं लिखा है, सिर्फ बता दिया कि पी एक्स कैसा होगा, पी वाई कैसा होगा, पी जेड कैसा होगा. विजिक्षु बेटा कितनी बार एक ही बात बुलवाओगे, दो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्युमुलेट करता है, क्या कहा था अभी मैंने पिछले केस में.
अभी आगे जाके देखेंगे कि दो अकोमोडेट क्यों करता है, ठीक है। ये जो टू है ये तो शेल नंबर है ना, जैसे वन एस में वन शेल नंबर था, टू एस में टू शेल नंबर था, ऐसे टू पी में पी शेल नंबर है, बस बन गया पी शेल नंबर, नहीं टू शेल नंबर, सॉरी। ये भी बना लिया पी सब शेल, अरे तो टॉपिक खत्म होगा तो डाउट क्लियर होंगे ना विजुक्षु, यार कैसी बातें कर रहे, बहुत से डाउट्स हैं आएंगे ही, अभी जब बात ही पूरी नहीं हुई तो कैसे होगा। अभी जो बता रहा हूं वो तो सुन लो, मॉडल खत्म हो जाए उसके बाद डाउट बचे तो मैं मान सकता हूँ डाउट है, मतलब इट्स लाइक मैं कह रहा हूं तुमको, मैंने आधी बात कही है और तुम कह रहे हो सर बात समझ में नहीं आई, तो कैसे समझ में आएगी, पहले बात पूरी सुन तो लो। और ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो, ये हर साल बच्चे करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि पहले मेरे को पूरी बात समझा तो लेने दो, अभी मतलब टॉपिक का मैंने 10% भी कवर नहीं किया है, जब टॉपिक 90% कंप्लीट कर दूंगा तो समझ में आना शुरू होगा ना सब कुछ, ऑब्वियसली डाउट आएंगे, अभी तो ये भी नहीं पता ये कहाँ से आए, क्यों आए, क्या है, क्यों नहीं है, अप डाउन क्यों है, अप क्यों नहीं है, बहुत सारी चीजें है, सब बात करेंगे। अरे बेटा वो अभी नहीं, यहाँ पे नहीं, बना लिया सबने, ऑर्बिटल शेल नहीं ऑर्बिटल, ठीक है। जल्दी से, हाँ हाँ सब शेल का बनाना है, कितनी बार पूछोगे, पी सब शेल इज बेसिकली तीन ऑर्बिटल्स को मिलके जो बनेगा वो पी सब शेल बनेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने तुमको दूसरे टाइप के ऑर्बिटल का शेप बताया है बस, अब तीसरे टाइप के ऑर्बिटल का शेप, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, सुन लो इस बात को, इसका मतलब क्या है और ये क्या है कि अलग अलग प्लेन्स हैं जो तुमको एक साथ बना के बता दिए हैं, जैसे डी ऑर्बिटल का शेप जो है वो डबल डंबल कहलाता है, डबल डंबल मतलब दो डंबल के साथ मिलके बनने वाला, तो मैं तुमको एक शेप बता देता हूं, बाकी की शेप उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे। हाँ प्रियांशु बेटा, जो सबसे मिलके बनेगा वो शेल होगा, मैं अभी बताऊंगा आपको, बना के दिखाऊंगा कि कैसा बनेगा। देखो डी ऑर्बिटल बनाना हो अगर तो डी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पांच टाइप के हैं बेसिकली, नाम यहाँ लिखे हुए हैं, डी एक्स वाई yz, zx, z square, x square minus y square, ये बहुत सारे नाम हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। आदित्य बेटा ये शेप डंबल ही क्यों होती है, तो बनाए ना भाई, लोगों ने अपनी जिंदगियां निकाल दी, मेहनत करी, श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करी, उसका डायग्राम बनाया तो डंबल आया, ठीक है। वो अब सब समझाऊंगा कि शेप कैसे आए, बट आएंगे, पहले तुम सुन लो, है ना, तुम पहले अपनी बात जो चल रही है उसको सुन लो, इधर उधर की बातें मत सोचो, क्योंकि इधर उधर की बातें सोचोगे तो इम्पोर्टेंट बात जो है वो रह जाएगी। अब न्यूक्लियस अगर ओरिजिन पर रखा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास हैं, तो अगर मेरे को डी एक्स वाई बनाना हो, इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ये नाम है बेटा डी एक्स वाई, तो अगर dx ऑर्बिटल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे कि xy प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में आई हैव टू ड्रॉ दी लोब्स, ऐसे कुछ लोब्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इस चीज को बनाने का या इसका फिजिकल मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के आसपास ऐसे चार रीजन्स मेरे को इस प्लेन में मिल रहे हैं, प्लेन में तो नहीं कहूंगा 3D है, बट हाँ इसका जो बाइसेक्टिंग प्लेन होगा वो ऐसे चार रीजन में को मिल रहे हैं लोब्स, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी
90 से 95% है, तो यहां इलेक्ट्रॉन तो ये जो डंबल एक बना एक, और ये दो लोब से मिलके एक डंबल बनता है, ये एक डंबल हुआ और दूसरा डंबल उसके परपेंडिकुलर, ये दूसरा डंबल हुआ, दिस इज सेकंड डंबल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल में दो ही हो सकते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन एक दो तीन और चार, इन चार लोब्स के अंदर ही घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास, इधर से उधर जाते रहते हैं, और ये जो ऑर्बिटल है दिस इज इन बिटवीन द टू एक्सिस इज एग्जैक्टली एट 45 डिग्री, यानी कि ये इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में आएगा, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बराबर दूरी पर होगा, ये एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंसेस पर आएगा, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, 45 डिग्री पे ये सिमेट्रिकल है और ये इसके 45 डिग्री पे सिमेट्रिकल है, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ डी एक्स वाई। अब अगर मान लो इसी की जगह आपको, सुन लो एक बात और सुन लो, उसके बाद बना लेना, डी एक्स वाई की जगह आपको मान लो डी वाई जेड बनाना होता, तो क्या करोगे आप, इसमें वाई जेड प्लेन ले लोगे, ठीक है, वाई जेड प्लेन, विल टेक वाई जेड प्लेन, तो ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। आप लोगों को 3D में प्लेन्स इमेजिन करने आते हैं, जैसे यहां पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, समझाने के लिए तो आपको सारे ऐसे दिखा दिए फ्लैट सामने, लेकिन एक्चुअली इन प्लेन्स को देखोगे अगर आप, इफ यू विल एक्चुअली लुक एट दीज प्लेन्स, तो ये प्लेन्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, ये बात समझ आती है। इफ दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, और मैं अगर एक्स वाई प्लेन बनाऊं तो एक्स वाई प्लेन ऐसा बनेगा, दिस विल बी एक्स वाई प्लेन, वाई इज एक्स जेड इसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स जेड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, और जेड एक्स इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पॉइंट इज, देखो मैं बता देता हूं, ये तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स दिख रहे हैं, दीज थ्री परपेंडिकुलर प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये प्लेन है, दूसरा ये प्लेन है, और तीसरा ये प्लेन है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो एक बार और देख लो, मैं फाइनली एक बार और फटाफट से समझाता हूँ। ये जो डी एक्स वाई है इसके चार लोब्स का होंगे, ये एक इधर आएगा, एक ये इधर वाले इस वाले पार्ट में आएगा पीछे, एक इधर वाले पार्ट में पीछे, और एक इसके पीछे छुपा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो जेड और वाई से मिलके बना है, ये जो ब्लैक वाला प्लेन है, दिस इज वाई जेड प्लेन, ठीक है। वाई जेड प्लेन में क्या बनेगा, वाई जेड प्लेन बनेगा डी वाई जेड, तो एक लोब इसका यहाँ आएगा, एक इस ब्लू के पीछे छुपा होगा, एक ये रेड के नीचे दिख रहा होगा, और एक इसके पीछे होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये अलग अलग प्लेन्स बने हुए हैं वाई जेड, मैं इसमें बना देता हूँ आपको कौन सा प्लेन कौन सा है। ब्लू कलर का जो प्लेन है बच्चों, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का जो प्लेन है,
ये कौन सा प्लेन है? ये जो प्लेन है ब्लू कलर का, ये कौन सा प्लेन है? किस किस एक्सिस से मिलके बना है ये? एक्स और जेड, देखो इधर एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स और जेड से मिलके बना है, तो ब्लू जो है ये आपका एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, ब्लू इज योर एक्स जेड प्लेन। अच्छा ब्लैक कलर की बात करें, ब्लैक, ब्लैक कौन सा प्लेन है? ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये कौन सा प्लेन है? y और z से मिलके बनाए तो ये yz प्लेन हो गया, yz प्लेन है ब्लैक, तो ब्लैक इज yz प्लेन। और लास्ट बच्चों रेड तो ऑब्वियस हो गया है, ये रेड कौन सा प्लेन है? कौन सा प्लेन है रेड? रेड इज विच वन? एक्स वाई प्लेन, वेरी गुड, रेड जो है ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो ये जो दो लोब्स हैं ये कौन से प्लेन में है? रेड वाले में। ये जो है वाई जेड ये कौन से वाले में है? कौन से कलर में बताओ जरा, कलर बताओ वाई जेड का, ब्लैक। और ये जो दो हैं ये कौन से वाले में है? ब्लू वाले में, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और न्यूक्लियस सेंटर पर रखा होता है। तो ये तीन ये हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आपको दिख रहा है अच्छे से, इसमें फर्क क्या हो गया? एक्स वाई में एक्सिस के बीच में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर आ गया। जेड स्क्वायर हो सकता है आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा देता हूं इसको, जेड स्क्वायर कैसे, उसके बाद आप लोग बना लेना। जेड स्क्वायर थोड़ा सा इन सबसे अलग होता है। जेड स्क्वायर में क्या होगा, ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपके एक्स और वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। जेड स्क्वायर बस सुन लो, उसके बाद आपको टाइम दे दूंगा बनाने का। ये आपका न्यूक्लियस रखा है। अब जेड स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करते हो कि आपके पास जैसे पी जेड था, याद है पी जेड कैसा था? तो जैसे पी जेड था ऐसा आप जेड के अबाउट लोब बनाते हो, और दूसरा इसमें दूसरा डंबल नहीं बनता, इसमें क्या रिंग टाइप की बनती है। जैसे ये जेड एक्सिस है, सुन लेना इस बात को, मान लो ये जेड एक्सिस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक लोब, न्यूक्लियस के नीचे एक लोब हो गया है ना। अब ये बीच में जो जगह बच रही है इन दोनों लोब्स के बीच में, यहाँ पे एक रिंग आती है, रिंग, देयर इज अ रिंग हियर, कैसे, इस टाइप से देखो, देयर इज सम रिंग हियर लाइक दिस, ये एक रिंग आएगी एक्स वाई प्लेन में, ये समझ में आता है? अच्छा दिख रहा है डायग्राम? तो ये ऊपर और नीचे लोब हैं और इन लोब्स के आसपास यहां एक रिंग है, ये अपना जो बना इसको अपन कहते हैं, दिस इज नोन एज डी जेड स्क्वायर। इसका तुम ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है, दिस इज नोन एज डी जेड स्क्वायर। वो जेड स्क्वायर की रिंग है बेटा। जैसे क्या हो रहा है कि इसमें एक लोब के बाद दूसरा लोब बनता था, यहां पे क्या हो रहा है, एक लोब के बाद दूसरी रिंग बन रही है, ठीक है, डी जेड स्क्वायर में रिंग बन रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। और एक बात, एक और बात सुन लो, रिंग गोल नहीं होती है, एग्जैक्टली गोल नहीं होगी। देखो सुनो, जैसे ये लोब ऐसा है, ऐसा नहीं कि रिंग एकदम गोल है, रिंग विल बी समथिंग फ्लैट लाइक दिस, थोड़ी फ्लैट होगी, ऐसी गोल ना हो कि न्यूक्लियस से दूर ना हो, कैसी चपटी सी होगी, समझ में आई? इस चपटे वाले पार्ट को घुमा दो गोल तो एक चपटा डोनट बन जाएगा, राइट, इस टाइप का, तुम बीच से काटोगे तो ऐसा दिखेगा गोल। बट डिस्क चपटी हो, डिस्क फ्लैट होती है, और डिस्क नहीं रहेगा, डिस्क को थोड़ा सा थिक कर दो, राइट। जैसे मैं बता देता हूं, देखो ये पेपर दिख रहा है,
ये पेपर को ऐसे गोल ना करके, सुन लो, पेपर की गोल रिंग ना बना के इसकी ऐसी फ्लैट रिंग बनाई, ये फ्लैट रिंग बनाई अपन ने, ठीक है, दिख रही है? अब इसको बस दोनों एंड को जोड़ दो, अब इसको किसी तरीके से घुमा पाते हम अगर ऐसे गोल कर पाते तो उसको ऐसे गोल करके जोड़ देते, तो अब वो गोल नहीं हो पा रहा है। इस टाइप की रिंग, यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है, इसको गोल चारों तरफ घुमा दिया, बिल्कुल बिल्कुल डोनट की तरह, बट डोनट में गैप होगा या गैप नहीं रहेगा, ठीक है? अब बना लो इसको बच्चों। तो अपने पास डी, सुन लो, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे उनके, ये नाम है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इन पांचों को अगर एक साथ बना देंगे, एक साथ अगर बना दें तो क्या बन जाएगा? 5 ऑर्बिटल को एक साथ बना देंगे तो क्या बन जाएगा? उसको क्या कहेंगे उस शेप को? सबशेल, डी सबशेल, बिल्कुल बच्चों। तो हम उसको बना नहीं रहे हैं क्योंकि इट बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स। तो अब इसको बना लो, दीज आर दी शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बना लो जल्दी से बना लो। तो ये 5 शेप बनाने हैं आपको, 4 इसमें से बना लो, 5वां यहां से बना लेना, ये वाला पार्ट नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, इसको छोड़ दो, ठीक है? अरे ध्रुव बेटा ऐसा नहीं, 50-60% समझ में आ रहा है, समझ तो सब आ गया है, तुम्हारे दिमाग में बाकी के सवाल हैं, ये कैसे पता, वो कैसे पता, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो ये जो बाकी के सवाल हैं, इनके भी जवाब मिलेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जवाब मिलेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले तुम्हें नहीं पता था कि सबशेल क्या होता है, अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि सबशेल क्या होगा। अगर कोई कहेगा कि पी सबशेल बताओ तो तुम बता दोगे कि पी सबशेल बेसिकली 3 पी ऑर्बिटल बना दो, तीनों को एक साथ जोड़ दो तो पी सबशेल बन गया, है ना? तो फटाफट से डायग्राम बना लो। अब मैं 3 मिनट कुछ नहीं बोलूंगा, बट 3 मिनट में ये सब बनाना है, ठीक है? शेप्स हैं, ये शेप्स आपको इमेजिन होने चाहिए। आई ट्राई एंड गेट यू सम काइंड ऑफ डायग्राम और अ वीडियो इन नेक्स्ट क्लास जो आपको इमेजिन करने में हेल्प करे, बट आई वॉन्ट यू गाइस टू इमेजिन ऑन योर ओन फर्स्ट। पहले खुद इमेजिन करो, फिर चेक करना कि वो इमेजिनेशन कितनी सही बैठी या नहीं। कोई बात नहीं राजश्री, अभी इस पॉइंट पे तो नहीं समझ में आएगा कि पूरा समझ में आया या नहीं। आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि सबशेल क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, और ऑर्बिटल के शेप्स आपको पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल का शेप कोई पूछे तो क्या बता सकते हो, पी का कोई पूछे तो बता सकते हो, और डी का पूछे तो क्या बता सकते हो, इतना है ना। अब ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या यूज होगा, ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, ये धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमको करनी है। पूरे टॉपिक में यही समझना है कि ये सब है क्या, क्वांटम नंबर्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? तो दीज आर ऑल शेप्स, ये शेप्स आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल। अभी इन सबको जोड़ के बता दूंगा मैं तुमको कि कैसा दिखेगा, कल एक दो वीडियो भी दिखा दूंगा तुमको। अभी पहले फटाफट इसको बना लो, फिर बात करते हैं कौन सा आइटम कैसा दिखेगा। नहीं आंचल बेटा ऐसा नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे। बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस के पास जो है वहां इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा आपको। इसमें कलर वाला डायग्राम बेटा प्लेन्स वाला नहीं बनाओ, बट जो dz² है वो बना लो। ठीक है, अभी थोड़ी क्लासेस में आगे पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, ये कैसे पता चलेगा, आप खुद बता दोगे। कोई नया सबशेल बता दिया तो उसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब बता दोगे आप। अभी मैं आगे चल के आपको रूल्स पढ़ाऊंगा, अभी तो पहले शेप बता रहा हूँ। dz² ट्वाइस मत बनाओ, ये वाला डायग्राम की जगह ये वाला बना लो, ये कहा था मैं।
instead of making this diagram, draw this. This is not good. This is better. So, okay, Kritika. बंजा डायग्राम तो बता देना बच्चों, तो फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग बात कर लें कि जो कुछ हमने पढ़ा इस समय क्या क्या अब अभी तक क्या क्या बता सकते हैं. सब कुछ तो नहीं बता सकते, बट कुछ कुछ चीजें हम बता पाएंगे. हो गया वैभव बेटा, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, उसमें से देख लेना. अभी कुछ और इम्पोर्टेंट बात बतानी है मेरे को, पीछे नहीं जा सकता मैं. सुजल बेटा, कीड़े कैसे घूमते हैं? जब कीड़ों का कोई पाथ नहीं बता सकते तो हम इलेक्ट्रॉन का भी नहीं बता पा रहे. अभी हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, इतनी हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम बता पाए कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कैसे घूमता है. हम बस ये बता पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है. कैसे घूम रहा है उसके लिए आपको वेव इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके लिए सुपर कंप्यूटर लगेगा. तो कभी तुम बन जाओ अगर फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ फिजिसिस्ट बन जाओ तो कर लेना सुपर कंप्यूटर, हो जाए कभी तुम्हारे पास तो. सिमुलेशन कहते हैं इसको. आगे भी हैं बट आपको शेप्स इसके आगे नहीं बनाने पड़ेंगे बच्चों. हमारी पूरी केमिस्ट्री में 11th 12th की और इनफैक्ट कॉलेज की भी, तुम्हें डी ऑर्बिटल से आगे के शेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, डायग्राम बना लिए सबने. पीयूष पूछ रहे सुपर कंप्यूटर की प्राइस क्या होती है. यार पता नहीं पीयूष, है खरीदा नहीं मैंने कभी, महंगा होता है बहुत, ये पता है. बिल्कुल वेव इक्वेशन तुम सॉल्व नहीं कर सकते, उसका कुछ पार्ट हम सॉल्व करेंगे. एक आध सवाल करवाऊंगा मैं, जितना तुम कर सकते हो उतने पे सवाल पूछ लेंगे. वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मैथ्स लगती है जो तुम्हें आती नहीं है, और बहुत सारी कंप्यूटेशन पावर लगती है जो तुम्हें आती नहीं है. खैर हाँ उत्कर्ष बिल्कुल. चलो तो हम कुछ बता रहे थे, बात कर रहे थे, उस पर आगे बढ़ते हैं. लिख लिया सबने, बना लिया सबने. चलो अब क्या बता रहे थे हम या क्या बात कर रहे थे कि एटम अगर पूछा जाए कि कैसा दिखता है तो अब हम क्या कहेंगे. ठीक है, क्या कहेंगे सुन लो. अगर किसी ने कहा कि हाइड्रोजन का एटम कैसा दिखता है, तो हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक. ठीक है, तो अभी हमने कहा था कि सुन लो इस बात को कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो आ सकते हैं. हमको तो एक ही रखना है. तो अगर कोई कहेगा कि हाइड्रोजन का एटम कैसा दिखता है तो हम क्या करेंगे, हम एक पहले शेल का इस ऑर्बिटल बनाएंगे. और कह देंगे कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस के आसपास घूमने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे टेंडेंसी या डेंसिटी कम होती जाएगी. यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी.
तो ऐसा कुछ स्फेरिकल शेप का आपको क्या दिखेगा, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही ऑर्बिटल में वो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसको वैसा शेप दिखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैं कुछ बातें कहूंगा, अब ये मत कहना कि सर ये कैसे आया, वो सब तुमको आएगा, सिखाऊंगा आगे चल के, बट अभी शेप्स क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं, और हमने पढ़ा है कि हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, बताना जरा। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नियॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, सुन लो इस बात को, सुन लो, बाद में मत कहना है सर ये क्या, अभी आपको लिखना नहीं आएगा, सिर्फ बता रहा हूं मैं कि ऐसा होता है, आपको लिखना मैं सिखाऊंगा। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन रखा होता है पहले शेल के एस सब शेल में, तो 1s मतलब पहले शेल का एस सब शेल, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे रखते हैं ये सब आपको सिखाऊंगा मैं आगे चल के, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूं, इनके रूल्स अभी आपको नहीं पढ़ाए, सिखाऊंगा, बट क्योंकि डायग्राम मुझे बनाना है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, कि अभी आपको कॉन्फिगरेशन लिखना नहीं आता, बट लेट्स से कि किसी ने आपको बता दिया कॉन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो किसी ने अगर आपको बता दिया कॉन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है, और नियॉन का कॉन्फिगरेशन लिखना होगा, तो नियॉन का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे पहले शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल के पी सब शेल में, पी सब शेल में बच्चों कितने ऑर्बिटल होते थे बताना जरा, इसका जवाब आपको आना चाहिए। ऑर्बिटल कितने होते थे, 3, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे, 6, तो पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1s सब शेल में 2, 2s सब शेल में 2, 2p में 6, और p में भी किस किस में, px, py, pz में, है ना, px, py और pz। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अभी बोला था प्रथम, मैंने अभी बताने से पहले बोला था कैसे मत पूछना, कैसे मैं सिखाऊंगा आपको, अभी मैंने सिर्फ बोला कि ये है, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। ऑक्टेट आप लोगों ने पढ़ा था कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये सेकंड शेल में गिन लो 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है गिन लो, ये 2 और 6 8 है, ठीक है। मैं सिर्फ ये क्यों बता रहा हूं कि अगर इसका शेप बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे आप, क्योंकि आपको शेप्स आते हैं, किसी ने बता दिया कि ऐसे फिल हो रहे हैं तो शेप्स कैसे बनाओगे, ठीक है। तो शेप में क्या करना है आपको, नियॉन का न्यूक्लियस है, और ये भी बता दूंगा कि क्यों आपको इसका शेप जनरली नहीं दिखता है, तो ये नियॉन का न्यूक्लियस है ना। अब इसमें 1s का इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 1s का इलेक्ट्रॉन तो स्फेरिकल बनाएगा, 1s बनाएगा, 1s स्फीयर होता है, अभी शेप पड़ा था, ठीक है। 2s कैसा होता है, 2s कैसा होता है, देखो तुमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये 2s कैसा था, स्फेरिकल था, अच्छा ये 1s से बड़ा था या छोटा था, बड़ा था, है ना। तो ये मान लो कि पिंक रीजन जो है इसमें 1s के 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब 2s इससे बड़ा होगा, और थोड़ा ब्लू कलर का बना देते हैं, तो 2s के इलेक्ट्रॉन ब्लू रीजन में घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये एक सवाल और बताओ, इतना तुमने पढ़ा, क्या 2s के इलेक्ट्रॉन उस जगह घूम पा रहा है जहां 1s का इलेक्ट्रॉन है, उस रीजन में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। अरे जा पा रहा है ना भाई, देखो इधर देखो, ऐसा मानो कीड़े है ना इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो 1s के जो 2 कीड़े थे वो सिर्फ इतने इतने में घूम पा रहे थे, है ना, बट 2s के कीड़ों की बाउंड्री बड़ी है, तो 2s के जो 2 कीड़े हैं वो कहां से कहां तक जा पा रहे हैं, न्यूक्लियस से यहां तक, तो 2s के कीड़े वहां तो घूम ही पा रहे हैं जहां 1s के घूम रहे हैं, 1s के अंदर अंदर घूम रहे हैं, है ना। मैं वही कह रहा हूं, देखो
1s के ऑर्बिटल का मतलब है एक रीजन जिसमें इसके दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके दो इलेक्ट्रॉन को बाकी किसी के इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है, ठीक है। 2s के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अपने रीजन में घूम रहे हैं, इनको किसी और के इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है, किसी और के इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, ठीक है। अभी और देखो, रुको, अभी 2p पे आते हैं, 2p के कितने ऑर्बिटल थे, 3, है ना, तो एक येलो कलर से बना देते हैं, चलो तो ये एक येलो कलर से बन गया, और दूसरे कलर देखते हैं, एक ग्रे कलर से बना देते हैं, ये ग्रे कलर से बन गया, दूसरा ग्रे कलर से बना दिया, और एक कोई तीसरा कलर और ढूंढ लेते हैं, ये एक, चलो थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको, ये एक तीसरे कलर से बना दिया, है ना। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, सबका मतलब सुन लो, सबका मतलब सुन लो। तो दो इलेक्ट्रॉन ये इस रीजन में घूम रहे थे, ये दो कीड़ों की लिमिट है, इससे बाहर नहीं जा पाते, वो इसी रीजन में घूमते हैं। कौन से दो कीड़े, 1s के अंदर घूमने वाले दो कीड़ों की ये जगह है, ठीक है। अब टोटल 10 कीड़े थे अपने पास, तो ये अगले दो कीड़े क्या है, थोड़ी बड़ी जगह में घूमते हैं, गोले में घूमते हैं लेकिन इस बड़ी जगह में घूमते हैं, इनकी ये बाउंड्री है, ये दो कीड़े यहाँ हैं, ठीक है। अब इधर मान लेते हैं x एक्सिस, तो ये जो px के दो कीड़े हैं ये कहाँ घूमेंगे, ये इसके अंदर घूमेंगे, इस रीजन के अंदर, इधर और इधर, ये इधर उधर गोले में नहीं घूम पाते, जब तो न्यूक्लियस के इधर या न्यूक्लियस के उधर, है ना। ऐसे दो py की अपनी अलग बाउंड्री है, तो ये py की अपनी अलग बाउंड्री है, ये दो py के इसके अंदर घूमते हैं न्यूक्लियस से यहां तक, और ये pz जो है इसकी अपनी अलग बाउंड्री है, इसके दो कीड़े इस जगह घूमते हैं। तो क्या हो गया, हर दो कीड़े बेसिकली एक रीजन, ऑर्बिटल बेसिकली रीजन बताएगा कि उन दो इलेक्ट्रॉन के घूमने की रीजन क्या, कहां से कहां तक है, ये उसका मतलब है। आया समझ में, थोड़ा क्लियर हुआ पहले से। तो नियॉन का एटम अगर दिखा हमारे हिसाब से तो कुछ ऐसा होगा कि अब उसमें क्या होगा, ये कलर तो अलग अलग दिखेंगे नहीं, सुनो हमको क्या अलग अलग कलर नहीं दिखेंगे, हमको कैसा दिखेगा ये सुन लो, हमको अलग अलग कलर नहीं दिखेंगे, हमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, हमको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और वो किस रीजन में घूम रहा है, ये और ये ऐसे घूम रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा इस रीजन के अंदर कीड़ों की डेंसिटी दिखेगी इलेक्ट्रॉन की, है ना, क्योंकि इसके अंदर इसके दो तो आ ही रहे हैं, इनके दो भी आ सकते हैं और इसके छह वाले भी इस रीजन के अंदर इधर इधर से आ सकते हैं। फिर ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसके अंदर क्या होगा कि इसके दो इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम सकते हैं लेकिन जो अंदर वाले दो हैं ये सिर्फ छोटे वाले में घूम रहे हैं। बिल्कुल घचड़पचड़, बिल्कुल घचड़पचड़ ही होगा, है ना, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल दो इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में भी हो सकते हैं। और ये जो पी है, ये पी जो है इसकी जगह में भी घूम रहा है, इसकी जगह में भी घूम रहा है, और अपनी इसकी जो इंडिपेंडेंट जगह वो तो है ही है। तो ये मान लो कि हर दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसकी पर्टिकुलर जगह होती है, रीजन होती है, उसको एक ऑर्बिटल कहते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ऑर्बिटल किसी दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं हो पाएगा, ओवरलैप होगा, बिल्कुल होगा, है ना। ठीक है, मत बनाओ, ये समझाने के लिए था, थोड़ा सा फील आएगी इससे। अब ये और भी अपन देखेंगे, मतलब आगे चल के कि ऐसा दिखेगा। हाँ वैभव बेटा, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है सबको। तो कोलिजन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में नहीं टकराते हैं, ठीक है। बस ये हो गया कि कीड़ों का क्या कोई फिक्स रीजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स रीजन है। दिस इज हाउ योर न्यून एटम विल लुक लाइक, अलग अलग ऑर्बिटल्स, जैसे ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल। अच्छा हाँ,
तो मैं मैंने बोला था कि ऑर्बिटल से मिलके शेल बनेगा, तो ये बताओ पहला शेल जो है वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा भाई, पहले शेल में एक ही सब शेल है और एक ही ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल, 1s जो ऑर्बिटल है वो अकेला ही सब शेल है, क्योंकि वो एक ही सब शेल है और उसी एक ही सब शेल का एक ही ऑर्बिट या शेल है ना। और कोई बोले तुमसे सेकंड सेकंड सबशेल बना दो, सुन लो सेकंड सबशेल मैं बना कर देता हूं। तो सेकंड सबशेल में देखो, पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एक ही सबशेल है 1s, सेकंड शेल में 2s और 2p दो सबशेल हैं। तो इसका डायग्राम अगर बनाना होगा तो क्या करोगे तुम, 2s तो ऐसे स्फीयर बन जाएगा, 2s जो है वो स्फीयर है और 2p जो है वो डंबल है, तो मतलब 2p के तीन डंबल बनेंगे, तो ये जो शेप बनेगा s और p को जोड़ के, ये जो पूरा शेप बना, तो ये पूरा शेप क्या हो जाएगा, सेकंड शेल। ठीक है, अब अपन इसके बारे में और बात करेंगे। मैं तुम लोगों के लिए डायग्राम के जो जो डायग्राम हमने बनाए हैं इसके कुछ वीडियोस ले आऊंगा, जो एग्जैक्ट वीडियो नहीं है। हाँ मोहित बेटा मैं देख लिया, चिंता मत करो। ठीक है, तो एग्जैक्ट वीडियोस तो नहीं है, बट यस सम सिमुलेशंस आई विल ब्रिंग, जो तो आपको थोड़ा सा देख के इमेजिन करने में आसानी हेल्प करेंगे। अब इस सब की डिटेल्स हम लोग आगे सीखेंगे, क्वांटम नंबर इसके बाद हमको स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, यहां से कंटिन्यू करेंगे, शेल सब शेल से ही कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अपन लोग टाइम से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आज जो अपन ने पढ़ा है उसका यूज बता रहा था कि हम देख लेते हैं कि कैसे एटम दिखते हैं, ऑर्बिटल से मिलके सब शेल बनते हैं, अलग अलग सब शेल से मिलके शेल्स बनते हैं। ठीक, लेट्स एंड आवर क्लास हियर बच्चों। ठीक है, तो क्लास के एंड की तरफ थोड़ा मजा आया, चीजें थोड़ी क्लियर हो गई। ठीक है चलो बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, अपन अपनी क्लास यहीं एंड कर लेते हैं, लेट्स एंड अ क्लास हियर।